सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कुशल कुमार और आप देख रहे हैं एनिमेटर के चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्केल और ओपेसिटी प्रॉपर्टी को, और इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाले। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं आर्टवर्क फ्री पिक से, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम अपने आर्टवर्क जहाँ मैंने सेव किए हैं उनको मैं ओपन कर लेता हूँ, और उनको इलस्ट्रेटर में ओपन करके उनकी लेयर को सेपरेट कर लेता हूँ जल्दी से। एक क्रिएटिव स्कल का आर्टवर्क मैंने डाउनलोड किया जो कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इलस्ट्रेटर में। हमारा आर्टवर्क ओपन यहाँ पे हो गया है, तो जल्दी से मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ। अगर आपको जानना है कि कैसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ एक एक लेयर को, तो आप लास्ट वीडियोस को मेरी चेकआउट करो इसी चैनल पे। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। इसको हम जल्दी से सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट की ओर बढ़ेंगे। हर एक एलिमेंट हमारा अलग अलग लेयर में आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमने सारे लेयर्स को सेपरेट आउट कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे सीधे आफ्टर इफेक्ट की ओर। सबसे पहले इसको भी हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप जो फॉर्मेट है उसको सेट करना। फॉर्मेट में जाके आप एडोब इलस्ट्रेटर AI फॉर्मेट सेव करो, और इसको हिट ओके। जल्दी से आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं और इसको एनिमेट करते हैं। तो हमारा आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो हम न्यू कॉम्पोजिशन में जाएंगे, साइज़ है उसको चूज़ करेंगे 1920x1080, और हिट ओके। तो स्केल और ओपेसिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्केल और ओपेसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है जब भी हम आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन करते हैं, तो आज एक बेसिक आइडिया आपको इसका मिल जाना चाहिए। तो आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल को भी हम सेव कर लेते हैं एक सेफ लोकेशन पे। तो जल्दी से हम अपने फर्स्ट आर्टवर्क को कॉल कराएंगे, राइट क्लिक इंपोर्ट फाइल, और हमारी ये जो लेयर है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट एज कंपोजिशन रिटेन लेयर्स एंड साइजेस स्कल, ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने टाइमलाइन पे। तो हमारा कुछ ये ऐसे आर्टवर्क ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब इसको स्केल करो, एक पीस से हम बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। इस बीजू को हम रिमूव कर लेंगे जैसे हमारा एनिमेशन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। तो आज का हमारा क्या है कि हम स्केल और ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमने सारी जो लेयरिंग अपने की हुई है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारा स्केल है ये पॉप अप हो। स्केल प्रॉपर्टी से हम इसको रिवील कराएंगे। सारी लेयर्स को मैं सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और सिर्फ हम जो स्केल लेयर है उसको ऑन रखेंगे, और हम बैकग्राउंड को भी ऑन रखते हैं अपना, और इसको लॉक कर देते हैं। अपनी टाइमलाइन को छोटा करेंगे, एन प्रेस करेंगे। अब हमारी जो वर्क एरिया अभी ये सेट हो चुका है। तो स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सेम वही मेथड है जो हमने पोजीशन और रोटेशन में यूज़ किया था। लेयर सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे, हमारे स्केल की जो प्रॉपर्टी ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम एक की स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाएंगे, और एक की थोड़ा सा आगे जाके हम यहाँ पे लगाएंगे, और अनदर की हम थोड़ा आगे जाके यहाँ पे लगाएंगे। तीन की हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। स्टार्टिंग की में जाएंगे, स्केल की प्रॉपर्टी को हम ज़ीरो कर देंगे, और सेकंड की पे आएंगे, 100 हमारा मैक्स है। स्केलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं 110। ये इसीलिए किया ताकि एक पॉप अप इफ़ेक्ट हमें मिले। तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। इसकी कीज़ को पास लेके आएंगे ताकि जो स्लो एनिमेशन है थोड़ी फास्ट हो जाए हमारी। सेलेक्ट करो और कीबोर्ड पे F9 प्रेस करो कि ईजी इसके लिए। तो ये एनिमेशन हमारी हो गई है। सिमिलरली तो इसके जो हेडफोन्स हम उसको रिवील कराएंगे। तो एज सून एज हमारा स्कल स्क्रीन पे आएगा और सेटल हो जाएगा, इसके हेडफोन्स हम उसको रिवील कराएंगे ओपेसिटी से। तो ओपेसिटी का यूज़ करने के लिए आपको अगेन सेम प्रोसेस है। लेयर सेलेक्ट करोगे, कीबोर्ड पे T प्रेस करोगे ओपेसिटी के लिए, ओ नहीं होगा ओपेसिटी के लिए, ओ नहीं होगा ओपेसिटी के लिए, टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। तो हमारा ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक की आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाओगे, देन थोड़ा सा आगे जाके एक की आप यहाँ पे लगाओगे,
फर्स्ट क्लिप पे आके आप ओपेसिटी को ज़ीरो कर दोगे, प्ले करोगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन हमें मिलेगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा सा फास्ट चाहिए यहाँ पे ओपेसिटी का जो एनिमेशन है, कि एज सून एज हमारा स्कल सेटल हो हेडफोन्स आ जाएं। तो इसको भी हम इजी कर लेंगे, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। अदर एलिमेंट्स हैं जो इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाएंगे, उनको हम एक एक करके एनिमेट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो रेड कलर की हमारे पास इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं, इनको हम लेके आएँ। हमारे पास यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं जिनको हम रिवील कराएंगे। जो यहाँ पे रेड कलर के एलिमेंट्स हैं, हम इनको स्केल प्रॉपर्टी से रिवील कराने वाले हैं, और बाकी जो है उनको हम ओपेसिटी इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं, इस वाले एलिमेंट को हम एनिमेट करते हैं और स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए अगर आप देखो, मैं इसको यहाँ से एनिमेट करता हूँ तो ये अपने सेंटर पोजीशन से ही स्केल होगा, लेकिन मुझे चाहिए कि ये यहाँ से आए ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस वाले एलिमेंट का एंकर पॉइंट हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लेके आएंगे। मेरे पास एक ये टूल है एनिमेशन कंपोज़र का, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा एंकर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको मैन्युअली कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करो, देन इसको आप मैन्युअली पकड़ के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक की आप स्टार्टिंग में लगाओगे, एक मिडिल में और एक एंड में। स्टार्टिंग 0, देन 110 एंड देन 100, ठीक है। सिलेक्ट, F9 प्रेस ऑन कीबोर्ड फॉर इजी ईज, और उसके बाद आप प्ले करो। थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब जब स्कल हमारे मैक्स पोजीशन पे हो, उसके बाद ही हमारी ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही मैं बाकी 3 एलिमेंट्स का भी एनिमेशन कर लेता हूँ जल्दी से। तो हमारी जो एफएक्स के एलिमेंट्स हैं उनका हमने एनिमेशन कर लिया है, लेकिन अभी आप देखो ये सारी चीज़ें एक साथ रिवील हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आए। तो थोड़ी सी ट्वीकिंग करके मुझे कुछ ऐसी एनिमेशन मिली है। तो इन सारी लेयर्स को आप सेलेक्ट करो सबसे पहले, को मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, और ये सारी लेयर्स एक साथ है तो इनको मैं एक कलर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे आगे भी। प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी ये बताया था कि अगर आपको सारे लेयर्स को एक साथ एनिमेट करना है तो आप सेलेक्ट करो सारी लेयर्स को, जो भी आप प्रॉपर्टी से एनिमेट करना चाहते हो। जैसे मैं ओपेसिटी से एनिमेट करना चाहता हूँ इसको, तो मैं टी प्रेस करूँगा, एक की स्टार्टिंग में एक की एंड में, जहाँ पर भी आपको चाहिए। स्टार्टिंग की में आके आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो, कुछ वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनिमेशन हमारे निकल के आ चुकी है यहाँ पे, और इसके बाद हम जो टेक्स्ट को रिवील करा सकते हैं ओपेसिटी से। सिमिलरली जो अदर टेक्स्ट उनको भी हम ओपेसिटी से लेके आएंगे। अगर आपने ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी है तो आप उसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने अदर लेयर में भी, वो सेम वर्क करेगी। जैसे कि मैं इसमें यहाँ से कॉपी करूँगा और इस वाले लेयर में मैं की इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो वो सेम वर्क करेगी। और जो सिंस 1999 है, इस वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे यहाँ पे। इसको ओपेसिटी से ना रिवील करके हम इसको स्केल से रिवील करेंगे, और सारे जितने भी कीज मैंने अभी तक लगाई हैं उनको मैं इजी यूज कर दूंगा F9 प्रेस करके कीबोर्ड पे। कुछ ऐसी हमारी एनिमेशन आ गई है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।